नमस्कार दोस्तों, गांव के लोग शहर की तरफ बहुत पलायन करते हैं, और वो क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए या सर्विस करने के लिए। तो आइए, यदि आप गांव में पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं या कम पैसे वाले हैं, तो आज मैं आपको 5 बिजनेस ऐसे बताता हूं जो बिजनेस करके आप गांव के गांव में रह करके अपने घर के अंदर ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, शहर में जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो आपका काफी पैसा उस आपकी व्यवस्था में लग जाता है। आपको एक किराए का मकान लेना पड़ता है, वहां बिजली पानी का अलग से खर्चा देना पड़ता है, घर में आपके पीछे जो घर वाले बैठे हैं उनका खर्चा सारा लगता ही है। केवल आप एक आदमी कमाने के लिए जाते हैं और एक आदमी की व्यवस्था करने में आप अपना कमाया हुआ आधा पैसा अपनी व्यवस्था में ही लगा देते हैं। तो क्यों नहीं अपन गांव की शहर के बजाय अपने गांव में रहकर ये बिजनेस करें और अच्छा पैसा कमाएं। अब गांव में बिजनेस करने के लिए आप कहेंगे कि गांव में बिजनेस चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? यदि आप किसी बड़े गांव के रहने वाले हैं, मान लीजिए जहां 700-800 घर हैं, तो वहां ये बिजनेस मैं जो बता रहा हूं आपको, इस वीडियो में 4-5 बिजनेस बताऊंगा मैं, वो बहुत अच्छी तरह से चल सकते हैं और कम से कम आप 50,000 रुपए महीना से लेकर के 1,00,000 रुपए तक इन बिजनेसेज में कमा सकते हैं। और ये बिजनेसेज ऐसे हैं जिसमें आपके घर के सदस्य भी आपका सहयोग कर सकते हैं, आपके माता पिता आपका इसमें सहयोग कर सकते हैं, आपकी माताएं बहनें इसमें आपका सहयोग कर सकती हैं और बहु बेटियां भी आपका सहयोग कर सकते हैं। यदि कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी आपको इन बिजनेसेज में आपकी मदद कर सकते हैं। पहला बिजनेस मैं बताता हूं कि आज का युग इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हर घर में जरूरत होती है, जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं वो हर घर में होते हैं। इसलिए आप यहाँ इनकी रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं। हर घर में टेलीविजन होता है, हर घर में फ्रिज होता है, हर घर में कूलर होता है, हर घर में एसी लगी हुई है। आजकल बहुत से घरों में एसी लगी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि आप इनके सामान का, प्रोडक्ट्स का बिजनेस गांव में नहीं चल सकता है, तो आप इनका रिपेयरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि रिपेयरिंग कैसे करें। तो रिपेयरिंग कैसे करें, इसके लिए आप 2-3-4-6 महीने के लिए शहर में जाकर किसी जो जिस चीज की आपको जानकारी लेनी है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप किसी अच्छे मिस्त्री के पास में रह करके इलेक्ट्रिकल्स का जानकारी ले सकते हैं। बिजली का काम गांव में खूब चलता है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आजकल गांव में शहरों से कम नहीं रहा है, इसलिए आप वहां इलेक्ट्रिक, जैसे मान लीजिए कोई नए घर बन रहे हैं उनमें आपको वायरिंग करना है, इलेक्ट्रिक फिटिंग करनी है, ये काम भी आप कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ गांव में इंटरनेट का खूब प्रचलन हो गया है, हर घर में मोबाइल है, तो ऐसी स्थिति में इंटरनेट कैफे की दुकान लगा करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। गांव में आपका एक कमरा घर में होता है, यदि वो कमरा घर में गली की तरफ है, रोड की तरफ है, तो वहां आप ये दुकान खोल करके, ये कोफा कैफे खोल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मनरेगा में भी खूब काम चलते हैं, यदि आप मनरेगा में काम करना चाहते हैं तो मनरेगा में काम करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कमाने के लिए। YouTube में 10-11 टाइप के बिजनेस होते हैं, वीडियो बनाकर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप और बहुत से काम हैं जिनका वीडियो बना करके आप पैसा कमा सकते हैं। घर में माताएं बहनें भी इस काम में आपका सहयोग दे सकती हैं, या ये वीडियो बनाने का काम माताएं बहनें भी YouTube पर बना करके अपलोड कर सकती हैं। पढ़ी लिखी हैं, आजकल हर घर में माताएं बहनें 10वीं 12वीं या इससे भी ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनको खूब टाइम मिल जाता है। और दूसरा, नए तरीके का उनको कुछ नहीं करना है, अपना जो गांव में विलेज में क्या क्या काम होते हैं
उन कामों के बारे में ही यदि वो वीडियो बना के अपलोड करती हैं। मान लीजिए कोई महिला भजन गाने में बहुत अच्छा रुचि रखती है, गांवों में मंदिरों में और में पूजा पाठ करने के लिए, या गांवों में महिलाओं का समूह होता है जो एक संगीत का या गीतों का प्रोग्राम करती रहती हैं, उनमें जो अच्छी महिलाएं अच्छे ढंग से गीत गाती हैं, वो महिलाएं उन महिलाओं के वीडियोज आप अपलोड कर सकते हैं, उनकी इजाजत ले सकते हैं, वो अपना खुद कर सकती हैं, उनके बेटे पोते ये बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। लाखों नहीं, कुछ महिलाओं ने तो दो दो चार चार पांच पांच लाख रुपए महीना के कमाती हैं, और आप YouTube पे इन वीडियोज को देखते भी हैं, कॉमेडी करके भी आप इनका वीडियो बना सकते हैं, हंसी के रसगुल्ले छोड़ते हैं आप और आप सुनते हैं, छोटे मोटे चुटकले हैं इनके भी वीडियोस बना करके आप लगा सकते हैं। आपके बच्चे, मान लीजिए ट्विंस बच्चे हैं या अकेले एक बच्चा है, तो वो दिन में क्या क्या हरकतें करता है, क्या क्या एंजॉयमेंट करता है, किस तरह वो खेलता है, किस तरह दादाजी के पास में जाता है, किस तरह मम्मी से बात करता है, ये वीडियो बना करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ महिलाओं को खाना बनाने में बहुत माहिरता हासिल होती है, बहुत अच्छी तरह के रेसिपी बनाते हैं वो, नई नई रेसिपी, गांवों की रेसिपी लोगों को बहुत पसंद है। आजकल बड़े बड़े होटलों में गांवों की रेसिपी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि कोई आप अच्छी सब्जी बनाना जानती हैं, मान लीजिए आलू भिंडी की सब्जी है, बैंगन भरता है या लहसुन की चटनी है, किसी भी प्रकार के आप बहुत अच्छी सब्जी बनाना जानती हैं, तो उसके वीडियो भी आप अपलोड कर सकती हैं। गांव के लोगों को, गांव की माताओं बहनों को बाजरे की रोटी बनाना, मकई की रोटी बनाना, जो ज्वार की रोटी बनाना, बेसन की रोटी बनाना, आलू का पराठा बनाना, मूली का पराठा बनाना, ये सब बहुत अच्छी तरह से आता है। यदि इसका वीडियो बना करके भी आप अपलोड करते हैं तो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लोग बाग एक एक लाख रुपए महीना के कमाते हैं। आप भी गांव में बैठे, अपने घर में बैठे, बिना एक रुपया खर्चा किए, मोबाइल आपके पास है ही, बहुत कुछ नहीं चाहिए आपको वीडियो अपलोड करने में, और आप आराम से आपके बेटे पोते ये काम कर सकते हैं, अपलोड का काम आपके बेटे पोते कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी, यदि इनको एक डेढ़ घंटे का टाइम यदि मिल जाता है तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ माताएं मैंने या बहुएं या बेटियां जो पढ़ाई छोड़ दी है, वो भी इस बिजनेस में आपका अच्छा सहयोग दे सकते हैं, और आप YouTube पर वीडियो अपलोड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे। यदि आप ये बिजनेस कर लेते हैं तो एक दिन मुझे याद रखेंगे कि किसी ने कोई एडवाइस दी थी और उस एडवाइस के पेटे हमने ये काम शुरू किया था और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब बात आती है YouTube के पैसे आपको कैसे मिलते हैं, कैसे आप YouTube पे चैनल बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको और कहीं नहीं जाना है, केवल YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप किसी भी तरह का वीडियो सर्च कीजिए, आपको उस टाइप के वीडियोज मिल जाएंगे, और उन वीडियोज को देख करके आप YouTube का चैनल क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगा, गांव में यदि आप सिलाई का काम जानती हैं, माताएं बहनों को सिलाई में बहुत महारत हासिल होती है, कुछ माताएं बहनें तो इतना गजब का काम करती हैं कि शहर के जो टेलर हैं वो भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप नए से नया लहंगा ब्लाउज, नए से नया मान लीजिए कोई और लड़कियों के पहनने का, बच्चों के पहनने का किड्स वियर, ये सिलना जानती हैं तो आप सिलाई करके अच्छा पैसा कमा सकती हैं। आजकल सिलाई के भी बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, रेडीमेड कपड़े जितने में कपड़े मिल जाते हैं उतनी सिलाई लेकर दे करके भी लोग कपड़े सिलवाते हैं। तो जो माताएं मैंने सिलाई का काम जानती हैं, और नहीं जानती हैं तो भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सिलाई सेंटर खोल सकती हैं आप। यदि आपको सिलाई का काम आता है तो आप गांव में माताओं बहनों को या लड़कों को बच्चों को जो सिलाई का काम सीखना चाहते हैं उनका आप सिलाई सेंटर खोल सकते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की उनको ट्रेनिंग दे सकती हैं आप। उनका ट्रेनिंग देने का अपना एक निश्चित चार्जेज तय कर लीजिए, 5-7-10 सिलाई मशीन ले आइए, जितनी शुरुआत में आप थोड़ी ले आइए, मान लीजिए आप ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके घर में ही आप सिलाई का व्यवसाय, सिलाई केंद्र खोल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप किस विषय पर वीडियो बनाना चाहते हैं ये मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो गांव के लोगों के लिए बना सकूं, और उसमें कौन कौन से बिजनेस आपको उस वीडियो में चाहिए वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सारे दोस्तों को, सारे परिवार के मित्रजनों को और सारी माताएं मैंने आपस में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिले। नमस्कार।